आप सब लोगों को 23 मार्च बहुत बहुत मुबारक। सूबिया कैमरे के पीछे हैं और एज यूजुअल वो उनको एक हंसी का दौरा शुरू हो गया है। उनको समझ नहीं आ रहा कि मैं घर पे क्या कर रही हूँ, मैं क्यों पका रही हूँ। लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मैं आपसे अपनी जो पसंदीदा रेसिपीज हैं, बहुत ईजी हैं, आप घर पे हो तो आप झटपट उसे बना सकते हैं, मैं आपसे शेयर करूँ। तो आज जो हम बना रहे हैं वो हम बना रहे हैं पैन फ्राइड चिकन फिले विथ लेमन बटर सॉस। और मैंने एक चिकन फिले लिया है क्योंकि मैं सिर्फ अपने लिए बना रही हूँ। चिकन फिले लिया है मैंने और उसको मैंने उसकी दुम काट दी और उसको दो पीस में डिवाइड किया। ये है रेड स्नैपर और वाइट फिश है और बहुत टेस्टी है, इजिली अवेलेबल है। तो हम सबसे पहले उसकी गार्निशिंग करेंगे। सबसे पहले हमने उस पर लगाना है थोड़ा सा वाइट पेपर, ठीक है। फिर हम इसको टर्न करते हैं, थोड़ा सा और वाइट पेपर यहाँ लगाते हैं। फिश बॉल हेल्दी है, खुद भी खाया करें और बच्चों को भी खिलाया करें। मुझे पर्सनली फिश बहुत पसंद है। मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, ठीक है। और ये बस हमने फिश को ज्यादा कुछ भी नहीं करना, जो इसका टेस्ट आएगा और जो इसका फ्लेवर है वो इसके सॉस में होगा। इट्स वेरी इजी, ज्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा, 10-15 मिनट में इसको पका सकते हैं। फिश बहुत जल्दी पक जाती है। मुझे हेल्प करेंगे आमिर, माई हाउस बॉय। अच्छा जनाब, मैं थोड़ा सा मैदा लेके इसके ऊपर डाल रही हूँ। इससे हल्का सा एक आई थिंक मुझे लगता है, मुझे पर्सनली पसंद है कि थोड़ी सी कोटिंग आ जाती है। और फिश को मैंने पहले अदरक लहसुन और नींबू के अंदर आधा घंटा भिगो के रखा था और फिर मैंने उसको बिल्कुल वॉश कर लिया। मुझे फिश की स्मेल बिल्कुल नहीं पसंद है, इसलिए मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं इसकी स्मेल जो है वो बिल्कुल निकाल दूं, ठीक है जनाब। ये हो गया। टिश्यू पेपर मुझे एक दे दीजिए प्लीज। हमेशा पकाते वक्त सबसे पहले हाथ धोएं और खास तौर पे हाथ की सफाई रखें। ये हमने इस कोरोना वायरस में भी सीखा है कि हाथ धोते रहने चाहिए, चाहे दिन में आपको कई बार धोने पड़े। ये पैन हमने गर्म कर लिया है। मुझे लग रहा है गैस का मसला है, खुद मसला जुड़ गया। अच्छा, तो ये शुरू करें। हमने ये पैन हमने वो करने के लिए ऑन कर दिया है और मैं अब फिश को फ्राई करने के लिए 1.5 टेबलस्पून, ये नॉन स्टिक पैन है और ये एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल है। मुझे बहुत ज्यादा तेल खानों में नहीं पसंद, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं कम तेल डालूं, डीप फ्राई एज सच ना करूं और एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल लूं ताकि वो हेल्दी है। कहते हैं हेल्दी है, अल्लाह बेहतर जानता है कि हेल्दी है कि नहीं है। पहले हम फिश को फ्राई कर लेंगे और पैन फ्राइड। अगर आपको इसके ऊपर क्रम लगाने हैं तो आप इसे अंडे में डाल के इसके ऊपर ब्रेड क्रम लगा के आप इसे क्रम फ्राइड भी बना सकते हैं, उसके ऊपर सॉस डाल सकते हैं, ये आपकी प्रेफरेंस के ऊपर है। मैंने रेड स्नैपर लिए, आप सोल भी ले सकते हैं, सामन अगर आपको मिल जाए तो सामन ले सकते हैं। सामन के साथ ये लेमन बटर सॉस बहुत डिलिशियस जाता है। तो अब हम इसको बिस्मिल्लाह करके फ्राई करने की कोशिश करते हैं और ये फ्राई करते हैं। जनाब ये लीजिए पैन, हमने बार बार इसको मोड़ना नहीं है, पहले हमने इसको एक साइड से फ्राई होने देना है। जब ये थोड़ा पक जाए एक साइड, तो फिर हमने इसको बड़े आराम से इसको टर्न करना है ताकि मछली टूटे नहीं। ये लीजिए आमिर साहब, ये आपका स्पेशल काम है। इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता दूं, हम इसको हटा देते हैं यहाँ पर। इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता दूं, जो लेमन बटर सॉस के हैं वो ये है कि हमारे पास बटर है, पार्सली है, हमारे पास ये क्रश्ड क्या कहते हैं लहसुन है, गार्लिक मैंने कोई 5-6 जगह ली है और उनको अच्छा अच्छा करके फाइनली चॉप कर लिया है। मैंने इसमें एक एडिशन की है लेमन बटर सॉस में, क्योंकि मुझे वेजिटेबल्स पसंद है, मैं चाहती हूँ कि मैं इसका न्यूट्रिशन ज्यादा हो, तो मैंने थोड़े से ब्रोकली, मेरे पास घर में पड़ी थी क्योंकि इस वक्त लॉकडाउन है और हम बाहर बिल्कुल भी जा रहे हैं, तो ब्रोकली पड़ी थी तो मैंने ब्रोकली थोड़ी सी मैं इसमें डाली थी
और मेरे पास चेरी टोमेटो थे, छोटे टोमेटो, उनको मैंने काटा है और उनको मैंने अंदर से जो उनका गुदा और जो बीज है उनको स्कूप आउट कर दिया है। ये तो तकरीबन चार महीने में, ये मेरी एडिशन है बिकॉज मुझे थोड़ा सा कलर पसंद है क्योंकि 23 मार्च है, हरा रंग होना चाहिए, व्हाइट फिश है और ये मेरे पास थोड़ी सी पार्सली है जो सॉस में जाएगी। ठीक है, तो अब एक साइड पे मुझे लग रहा है कि फिश तैयार हो रही है, आई थिंक इसको हमें टर्न करना चाहिए आराम से। आपने बहुत आराम से इसको टर्न करना है। अच्छा, हमने 3 से 4 मिनट एक तरफ पकाना है और 3 से 4 मिनट एक तरफ दूसरी तरफ पकाना है। फिश को बहुत आराम से लकड़ी के चम्मच के साथ आपने टर्न करना है ताकि फिश टूटे नहीं। फिश बहुत लाइट होती है, अगर टूट सकती है तो आपका प्रेजेंटेशन खराब हो जाएगी। ठीक है, ओके। अब ओके जी, अब फिश हमारी तैयार हो गई है। मैंने बड़े आराम से फिश को निकाला है और अपनी सर्विंग डिश के अंदर मैं इसको डाल रही हूं। ठीक है, दूसरी फिश भी मैंने निकाली है और इसको भी मैंने बड़े आराम से यहाँ पे पैन फ्राइड तैयार हो गई। और अब मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, हमने इसका लेमन बटर सॉस बनाना है। मेरे पास ये मक्खन है यहाँ पर और मैं 1 टेबलस्पून और तकरीबन 2 टेबलस्पून मैं इसमें मक्खन डाल रही हूँ। ठीक है, अगर जरूरत पड़ी तो और डालू। आपने कम सॉस बनाना है तो आप कम डालें, अगर आपने ज्यादा बनाना है तो आप ज्यादा डालें। आपने इसे हल्की आंच पे बनाना है क्योंकि मक्खन बहुत जल्दी जल जाता है। ठीक है, ये मेरे पास थोड़ी सी रतन थी, 5 से 6 जवे मैंने फाइनली चॉप कर लिए थे, ये मैंने इसके अंदर डाल दी। मैं इसके अंदर 1 नींबू का रस डाल रही हूँ, थोड़ा सा मैं इसमें नमक डाल देंगी, हल्का सा मैं इसमें नमक डाल देंगी, पर सफेद डाल दूंगा। ठीक है, और मैं ये पार्सली डाल रही हूँ क्योंकि पार्सली थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेती है बनने के अंदर। और ये जो मैंने आपको बताया था चेरी टोमेटो, इनको मैंने स्कूप करके इसका गूदा निकाल दिया। ये चाट करी सिर्फ कलर देने के लिए, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है फिश के साथ। इसको हमने पका लेना है। अच्छा जी, ये मैंने बना रही हूँ और अब मेरे पास जो पार्सली थी, नॉर्मली इस सॉस के अंदर लहसुन बटर और पार्सली डाल जाती है और थोड़ी सी काली मिर्च और नमक हम डाल दें, लेकिन मैंने इसके अंदर ये टमाटर और ये ब्रोकली भी डाली है क्योंकि मुझे ये वेजिटेबल पर्सनली बहुत पसंद है। मतलब कि कलर भी थोड़ा आ जाता है और थोड़ा फिश के साथ थोड़ा, अगर आप पटेटोज ना खाएं, जैसे मैं अक्सर पटेटोज अवॉइड करती हूँ, बहुत स्टार्ची होते हैं, वजन भी बहुत ज्यादा जल्दी बढ़ जाता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि कोई चीज क्रंची हो। ये हम ब्रोकली पूरी पूरी नहीं बनाएंगे, इसको हम थोड़ा क्रंची छोड़ेंगे। अब जैसे आप ये देख रहे हैं, मैं इसको जरा फ्लेम को बंद करती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि ये बहुत ज्यादा वाटरी सॉस नहीं है, ये हल्का सा सॉस है फिश के ऊपर। इट्स अ वेरी हेल्दी सॉस। ये जो चेरी टोमेटोज हैं ये तकरीबन बन गए और पार्सली बिल्कुल उसके अंदर मिक्स हो गई है और ब्रोकली जो है वो अभी भी क्रंची है। सो दैट्स हाउ आई लाइक इट। ये हम इसके अंदर ऐसे रखते हैं। अब इसको हम बड़े प्यार से स्कूप करते हैं और अपने फिश के पास रखते हैं। आप देख रहे हैं कितना जबरदस्त कलर आ रहा है और ये जो सॉस है इसको हम अपनी फिश के ऊपर ऐसे डाल रहे हैं और सारा सॉस जो है ये फिश इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। मैं हमेशा जो एंड स्क्रेप्स हैं वो भी डालती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा ज्यादा क्रंची, थोड़ा सा हल्का सा जला हुआ पसंद है। ये बिल्कुल भी जला हुआ नहीं है बट ये बहुत खूबसूरत लगा और ये हमने अपनी सर्विंग डिश में डाला है। ये
This is for one person. अगर आपने दो लोगों के तीन लोगों के बनाना है तो उस हिसाब से आपने फिश रखनी. So thank you very much. ये थी pan fried red snapper fish with lemon butter sauce and vegetable. Thank you. आपको हमारी डिश कैसी लगी?